प्राइवेट स्कूल संचालकों द्वारा चार सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को दिया गया ज्ञापन। बड़ी खबर बैराड़ से आ रही है। बैराड़ नगर के प्राइवेट स्कूल संचालकों ने अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम बैराड़ तहसीलदार आर के जोशी को ज्ञापन दिया है। स्कूल संचालकों की मांग है कि सरकार द्वारा बढ़ाया गया क्रीडा शुल्क कम किया जाए। पूर्व से संचालित स्कूलों में रजिस्टर्ड कराया नामा और 40,000 की FD में छूट सहित 2 वर्ष से रुकी हुई RTE की राशि भुगतान करने की मांग की है। बैराड़ से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन बैराड़ की तरफ से बैराड़ के सभी प्राइवेट स्कूल के संचालकों द्वारा एक ज्ञापन माननीय तहसीलदार बैराड़ को आज हम लोग सौंप रहे हैं, जिसमें शिवराज सिंह चौहान जी आदरणीय उनके समक्ष ये प्रस्तुत होना है। इसमें मध्य प्रदेश शासन भोपाल के पद लिए पत्र गया है। शिक्षा विभाग क्रीड़ा शुल्क वृद्धि एवं अन्य विसंगति पूर्ण निर्णयों से थोड़ा अशासकीय स्कूल संचालकों में भारी आक्रोश है। उसके निदान के संबंध में हम लोग ये थोड़ा सा माननीय मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिसमें कुछ प्रमुख बिंदुओं पर हमारी मांगे हैं। जैसे कि क्रीड़ा शुल्क पूर्व में 9th से लेकर 10वीं तक ये जो है 40 से 45 और 55 तक होती थी, आज इसको बढ़ाकर 90 से 110 कर दिया गया है, जो कि पूर्णतः अनुचित है। इसका सीधा सीधा हमारे बच्चों पर पड़ रहा है और पालकों पर भी कहीं ना कहीं उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। दूसरी मांग हमारी ये है कि मिडिल स्कूल तक संचालित प्राइवेट स्कूलों के लिए 40,000 की FD अनिवार्य कर दी गई है, जिसका पूर्व में संचालित स्कूलों के लिए लागू करना उचित नहीं है, क्योंकि अभी नवीन मान्यता के लिए उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जितने स्कूल चल रहे हैं प्रेजेंट में उनके लिए ये थोड़ा सा अनुचित रहेगा ये निर्णय। तीसरा हमारा इस संबंध में ये है कि पूर्व में संचालित स्कूलों के लिए रजिस्टर्ड किरायानामा अनिवार्य ना कर पाना नवीन स्कूल मान्यता पर ही अनिवार्य किया जाए, अतः इसमें संशोधन करने हेतु निवेदन है। तो श्रीमान जी के समक्ष ये तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत है।